VCD 3472, night class dated 22nd June 1968, clarification dated 27/12/2020. आज का रात्रि क्लास है 22 जून 1968। Today's night class is of 22nd June 1968. अधूरी वाणी है, दुखी हुआ है सब बात में। इट इज एन इनकम्प्लीट वाणी, ही दैट इज लॉकेट फादर इज सॉरोफुल इन एवरी टॉपिक। तो सहन नहीं कर सकते हैं, ही कैन नॉट टॉलरेट सो मच। वैसे पारलौकिक बात भी, ऐसे बहुत बच्चों को कुछ भी तकलीफ होती है तो दिल में होता तो जरूर है। सिमिलरली इज द पारलौकिक बाप, इफ मेनी चिल्ड्रन हैव सम प्रॉब्लम देन ही सर्टेनली फील्स इन द हार्ट। परंतु वो जानते हैं कि कर्म भोग है। But he knows this is their karma bhog, that is consequence of actions. बाकी थोड़ा समय है, दिलासा देते हैं, धीरज देते हैं। However, there is little time. He comforts them, consoles them. उन्होंने तो गीत बनाए हुए हैं, धीरे धर बनुआ धीरे धर। They have made songs, धीरज धर मनुआ धीरज धर, be patient mind, be patient। तो बच्चों, ये तुम्हारा बाकी थोड़ा समय का दुख है। अगर तुम बाप को याद करेंगे और बाप के वर से विश्व की बादशाही को याद करेंगे तो उसकी भेंट में तो ये कर्म भोग कुछ भी नहीं है जैसे। सो चिल्ड्रन, दिस सॉरो ऑफ योर्स इज ऑफ सम टाइम। इफ यू रिमेम्बर द फादर एंड हिज इनहेरिटेंस ऑफ एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड, then this karma bhog is nothing when compared to it. ये तुम्हारा बाकी थोड़ा समय का दुख है। This sorrow of yours is for some time. समझे ना बच्चे? तो थोड़ा न थोड़ा उसको आथत हो जाता है। You understood, didn't you? So you are consoled to some extent. बाप को याद करो तो बाप तुम्हारा सभी दुख दूर कर देंगे। Remember the father, then he will remove all your sorrows. Understood, didn't you? ऐसे ही समझाएंगे। शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारा एक ही जन्म के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। You too will explain in similar way. Remember Shiv Baba for 21 births, then all your sorrows will be removed. तो खुशी हो जाएगी? हो जाएगी ना?
सो यू विल बिकम हैप्पी, यू विल बी, वोंट यू? और ज्ञान होगा तो, क्योंकि अज्ञान काल में खुशी नहीं होती है इसमें. इट इज ओनली व्हेन यू हैव नॉलेज, बिकॉज देयर इजंट हैप्पीनेस इन इट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इग्नोरेंस. अभी तो प्रैक्टिकल जानते हो, बाकी थोड़ा समय है. Now you know in practice there is little time left. वो जो बोलते थे कहां ये 40,000 वर्ष पड़े हैं कलयुग के, नहीं तो अभी तो तुम बच्चों को आथत मिली है ना. The thing which they used to say, 40,000 years of this iron age are left. No. So, now your children are consoled, aren't you? कि 40,000 से इतना लंबा समय नहीं पड़ा है, अभी तो बहुत थोड़ा है. That such a long duration of 40,000 years are not left. Now, very little is there. कि 40,000 वर्ष का कोड़ा लगाया, लाखों वर्ष सृष्टि की आयु बता दी. The gossip of 40,000 years was said. They said the age of the world to be lakhs of years. बाप ने आकर के हाथ दिया है, धैर्य दिया है, नहीं बच्चों. The father came and consoled. He gave patience. No children. तो जिनको धैर्य मिलता है उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है. So, those who receive patience, their mercury of happiness rises. जरूर चढ़ता है. और उस कर्म भोग के हिसाब किताब को भी काटने के लिए बहुत ही सहज हो जाता है. It certainly raises and it becomes very easy to cut even the karma bhog of karmic accounts. इसलिए बच्चों को कह देता हूँ कि बच्चों, जहाँ भी तुम्हारा घर है, घर घर को भी बनाने है ना. That is why I tell the children, wherever your house is, you have to make every house as well. क्या बनाना है? स्वर्ग बनाना है. What should you make? Make it swarg, heaven. तो क्या करो? उसमें लिख दो बाहर में. एकदम अच्छा सा पता लिख दो. So, what should you do? Write it on outside. Write the address very nicely. अच्छी तरह से लिख करके कि सेकंड में विश्व की बादशाही बाप से ले सकते हो. Write nicely, you can take the emperorship of the world from the father in a second. बेहरे के बाप से कैसे एक सेकंड में विश्व की बादशाही मिलती है वो बताते. We tell how the emperorship of the world is received from the unlimited father in a second. निश्चय पक्का हुआ और बात सही मिली. As soon as you have firm faith, you receive the emperorship. तो विश्व की बात सही तो देवताओं को ही थी और वो देवताएं पवित्र डीटी थे. Only the deities had the emperorship of the world, and those deities, that is devtas, were pure deities. वो देवताएं तो आ न सके. Those deities can certainly not come. भले नहीं समझते होंगे तो समझाए देंगे.
Though they don't understand, then we will explain them. बाकी बोर्ड तो एक वंडरफुल होगा ना, आश्चर्यवत होगा. However, the board will be certainly wonderful one, won't it? It will be surprising. ऐसा बोर्ड कभी कोई ने लगाया ही नहीं होगा. कभी कोई समझते ही नहीं. No one must have hanged such a board. No one understands. तो देखो खुशी होगी ना. अरे ये क्या वंडर बताते हैं. So see, they will be happy, won't they? अरे what wonder do they narrate? है? वंडरफुल बात हो गई ना, एक सेकंड में विश्व की बात सही. इट इज अ वंडरफुल थिंग, इजंट इट? द एम्पररशिप ऑफ द वर्ल्ड इन वन सेकंड. तो जरूर कोशिश करेंगे समझने के लिए. सो दे विल सर्टनली ट्राई टू अंडरस्टैंड. और फिर उनको बताना एक दो अक्षर में ही है. हद का बाप, हद की खुशी. और बेहद का बाप तो बेहद की खुशी, क्योंकि वो तो विश्व का मालिक बनाते हैं. एंड यू शुड ऑल्सो टेल देम इन वन टू वर्ड्स इटसेल्फ दैट लिमिटेड फादर गिव्स लिमिटेड हैप्पीनेस एंड देन अनलिमिटेड फादर गिव्स अनलिमिटेड हैप्पीनेस बिकॉज ही मेक्स अस मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड. देखो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना. है कौन से लक्ष्मी नारायण? सी दीज लक्ष्मी नारायण वेर मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड वेर इन दे विच लक्ष्मी नारायण? है कलाबद्ध सतयुग के? नहीं, पुरुषोत्तम संगम युग में जो आदि लक्ष्मी नारायण है, जिन्हें कहे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर, विश्व के मालिक थे ना. नाम ही है विश्वनाथ. इज इट द लक्ष्मी नारायण ऑफ डिक्रीजिंग सेलेस्टियल डिग्रीज ऑफ द गोल्डन एज? नो, it is the Adi Lakshmi Narayan of the Purushottam Sangam Yuga, that is elevated confluence age, who can be said. It is written in the scriptures as well, Ardha Narishwar, meaning half man half woman, where the masters of the world, wherein they, the name itself is Vishwanath, meaning controller of the world. देखो चित्र तो रखे रहते हैं, यहाँ भी लटकते हैं. सो सी पिक्चर्स आर केप्ट इट इज हैंग हियर टू. है तो एक्यूरेट ना कि विश्व की बादशाही मिल सकती है एक सेकंड में. इट इज सर्टनली एक्यूरेट इजंट इट? The emperorship of the world can be obtained in 1 second. गायन किसका है? जनक का गायन है. Whose praise is it? It is the praise of जनक. जनमानि जन्म का माने करना. ज means birth and कर्म means the one who does. जबकि जन्म लिया यानी बाप का बना तो सेकंड में बात सही. When he was born, meaning became the father's, then he received the emperorship in a second.
ऐसे थोड़े ही कि निश्चय निश्चय के चक्र में आते रहें घड़ी घड़ी और फिर विश्व की बादशाही मिल जाए। इट इज इन दैट यू कीप कमिंग इन द साइकिल ऑफ फेथ एंड फेथलेस एवरी सेकंड एंड रिसीव द एम्पररशिप ऑफ द वर्ल्ड। और ये बादशाही भी भविष्य के लिए है। And this emperorship is also for the future. वर्तमान पुरुषार्थ जीवन के लिए नहीं है। It isn't for the present पुरुषार्थी लाइफ। और उस विश्व की बादशाही को तो जरूर जानेंगे ना। अच्छा। And you will certainly know the emperorship of the world, won't you? All right. वो विश्व की बादशाही मिलेगी जरूर। हाँ ये है कि सिर्फ जास्ती पुरुषार्थ करने से ऊंच पद पाएंगे। All right, and you will receive the emperorship of the world for sure. Yes, this is the thing that you receive a high position by doing more पुरुषार्थ। वो तो राइट है, जीवन मुक्ति। Yes, it is right. जीवन मुक्ति। जीवन में भी रहे और दर्दों से, जन्म जरा मरण के दुखों से मुक्त भी हो। While living in the life, be liberated from the sorrows of birth, infirmity and death. ऐसी बात जरूर मिलेगी। तो अब सब कोई अपने अपने घर पर ये बोर्ड लगाए दे। वो तो लगा ही सकते हैं जिनको घर में कोई खिटपिट नहीं है, मत मत अंतर नहीं है। यू विल सर्टनली रिसीव सच एम्परशिप। सो नाउ एवरी वन शुड हैंग सच बोर्ड्स ऑन देयर हाउसेस। दे हु डोंट हैव एनी क्वारल डिफरेंस इन द ओपिनियन इन देयर हाउस कैन सर्टनली पुट द अप। इसमें तो कोई कोई जो अपने उनको छुट्टी न देता हो या बांधेली होती होगी, फलाना होगा, उनको भी ये बोर्ड लगाने में क्या नुकसान होता है। वेयर इज द हार्म टू इवन दोज हु डोंट गिव परमिशन टू देयर वाइव्स और इफ दे आर इन बॉन्डेज एंड सो ऑन इन पुटिंग अप दिस बोर्ड। ये तो हम अच्छी बात बताते हैं। वी टेल समथिंग गुड, डोंट वी? उन्हें बोलो तुम भी आकर के समझो। टेल देम टू द हस्बैंड, यू टू कम एंड अंडरस्टैंड। तुम भी होए तो बोलो, आके समझो ना। यू टू टेल देम कम एंड अंडरस्टैंड। हमने लिखा है तो समझ ना। देखो हम तो ठीक बताते हैं या नहीं बताते हैं। वी हैव रिटन सो अंडरस्टैंड इट, लुक वेदर दे से राइट और नॉट। तो ये भी है। This is also a tact. घूम घूम करने की ब्रह्मा कुमारियों की युक्ति है। This is the tact of the Brahma Kumaris of doing bhoo bhoo, that is making sound continuously. और ये भूम भूम ज्ञान की तो करनी ही है। And you certainly have to do this bhoo bhoo of knowledge. ये जानते हो तो बरोबर ये भूं भूं करने के साथ तुम तो नायब हो ना। यू नो दिस सो ट्रूली अलोंग विद डूइंग भू भू यू आर असिस्टेंट्स, आरंट यू? नायब टीचर्स हो।
यू आर असिस्टेंट टीचर्स। तुम बच्चियों को तो तेरी है ना कि हम विश्व की बादशाही प्राप्त कर रहे हैं। यू डॉटर्स आर फॉर श्योर दैट यू आर ऑब्टेनिंग द एम्परशिप ऑफ द वर्ल्ड, aren't you? ऐसे जिसको आना होगा तो आएंगे। Then, whoever has to come, will come. ऐसे समझाएंगे तो आएंगे। If you explain in this way, then they will come. तो टेम्पटेशन तो अच्छे से नहीं चाहिए ना? बाकी कहेंगे कि भगवान आया है, वो नहीं मानेंगे है? कोई होंगे तो वो मानेंगे। यू शुड गिव नाइस टेम्पटेशन, शुडंट यू? एज फॉर द रेस्ट, इफ यू से गॉड हैज कम, दे वोंट बिलीव। देयर मे बी सम हु मे बिलीव इट। आके समझो बहनों भाइयों, जिसको कोई बंधन नहीं है, कोई खिटपिट घर में नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको बताते रहो। दे मे कम एंड अंडरस्टैंड सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, कीप नरेटिंग दोज हु डोंट हैव एनी बॉन्डेज, एनी क्वारल and any such in the house. कि कोई पीछे समझे या न समझे। However, some may understand in future or not. तुम तो बताती रहो। You keep explaining. तुमने तो अपना फर्ज अदाई कर दी ना? You have completed your duty, haven't you? क्या हुआ है कि भाई फलाने को न मिला ये पैगाम, तो आ करके फिर वो डरापा दिया। It is written that if someone doesn't receive this message, he will come and blame. He will accuse. दोषारोपण लगाया कि हमको तो तुम्हारा संदेश मिला ही नहीं। He will blame, saying, we didn't receive your message at all. वो डरापा तो देते, बोल तो देते देते हो ना। So they do complain. You do tell them, don't you? अच्छा, ये तो दरवाजे की बात हुई। All right, this is about the door. परंतु बाप तो समझाते रहते हैं, अरे दरवाजों की तो बात छोड़ो, एक एक दरवाजे पर तुम तो अखबारों में डाल सकते हो। But the father keeps explaining, अरे leave alone the matter of door. Of each door, you can certainly publish in newspapers too. छोटा सा पढ़ेंगे, एक इंच का भी कालम नहीं पढ़ कहेंगे। They will read one small message. It won't even be called a column of an inch. तो कोई युक्ति से उसमें भी एक इंच के कालम में भी डाल सकते हो। So in that too, some tactfully can publish it in the column of one inch as well. तो सभी पढ़कर सुनेंगे। सुनेंगे तो सही ना, पैगाम तो मिल गया ना। Then everyone will read and listen to it. They will certainly listen to it, won't they? They received the message.
didn't they? 22 जून 1968 की रात्रि क्लास का दूसरा पेज। The second page of night class dated 22nd June 1968. अनके कोई ऐसी युक्ति दे दियो जो उनसे वो युक्ति से समझ जावे कि बाप का बाप से मिलने के लिए तो कोई भी जा सकता है। However, you also write a way by which they understand it tactfully. Anyone can go to meet the father. कोई भी सेंटर में। In any center. तो बड़ी बात तो नहीं है पैगाम दे। It isn't a big thing to give message. पीछे कोई अंग्रेजी नहीं जानते होंगे तो कोई हिंदी में, अरे सब लैंग्वेजेस में डाल सकते हो। Further, if someone doesn't understand English, then some in Hindi. अरे, you can publish it in all languages. कोई अखबार वाले पैसा लेंगे, कोई नहीं लेंगे, चलो। Some newspaper men will take money and some won't. Let it be. पैगाम तो पहुंचाना है ना? You certainly have to spread the message. वो 500,000 खर्चा होगा, और क्या करेंगे? 500 to 1,000 rupees will be spent. And what else will they take? या तो 500 ले लेंगे, 1,000 ले लेंगे। Either they will take 500 or 1,000. छोटे एडवर्टाइजमेंट के लिए रिपोर्टर्स पैसे तो लेंगे ना? Reporters will surely take money for small advertisements, won't they? Editors, कॉन्फ्रेंस को तय करके मैगजीन में डाल दियो तो सबको मालूम पड़े कि बाप से विश्व की बादशाही मिल सकती है। Discuss it in the conferences and publish it in the magazines. Let everybody come to know that the emperorship of the world can be received from the Father. अभी पुरुषार्थ उनको करना है, क्योंकि अभी तो तुमको खर्चा करना पड़ता है। Now they have to do purushart as now you have to spend. पीछे तो तुमको आप ही देंगे। In future they will give on their own. कोई भी देंगे। Anybody will give. हम दे देते हैं 50 इंच, 100 इंच। We will give 50 inches, 100 inches. अरे इसे इसमें तुम सर्विस करो। Though you do service with this. तो बाबा ने बच्चे को समझाया ना, तो पैसे भी बहुत मिलेंगे तुमको सर्विस करने के लिए। So Baba explained children. Didn't he? You will find many such opportunities to do service. अखबारों में एक टुकड़ा फ्री भी मिलेगा रोजंदारी के लिए। You will get a piece, here it means space free, in newspapers on daily basis. बहुत ऐसे जो अभी तुम कहते रहे ना, ये सभी कोष घर बनाते हैं।
And there are many like what you keep saying now. All of them build kosghar, meaning slaughterhouses, dharmshala par. In the name of dharmshalas, meaning rest houses. Bhagwan vas, ye kosghar banate hain. काम कटारी चलाने के लिए, एक दो को मारने के लिए. God says they build slaughter houses to stab them with the dagger of lust, to kill each other. काम महाशत्रु के बस में करने के लिए. To overpower the greatest enemy like lust. इसीलिए सारा पापमा बनते हैं. By which all of them become sinful souls. तो हम तो बैठ करके पवित्र बनाते हैं. Now we sit and make them pure. तो आगे चल करके तो तुम बच्चों को बहुत हाल वगैरह मिलेंगे और मिलने के ही हैं. In future, you children will get very big halls, etc. And it is certain to get. हो सकते हैं. जैसे बाबा ने शुरुआत में कहा कि कौरवों के सामने पांडवों का राज्य चाहिए. It may be possible, as Baba said in the beginning, there should be the kingdom of Pandavas in front of Kauravas. तो हो सकता है कोई जमीन भी दे देवे, क्योंकि जंगल तो बहुत बड़ा है. It may be possible someone may give land as well, because the jungle is very huge. ये हाउस के सामने एकदम अपोजिशन में, अपोजिट में जो जंगल पड़ा हुआ है, जो दरवाजा है ना, अंदर घुसते हैं तो उसी तरफ में जंगल है. रास्ते के उस पार, जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस गवर्नमेंट हाउस इन अपोजिशन, the jungle which is opposite to it, the door which is there through which one enters, there is jungle in the same way on the other side of the road. तो एक दिन हो सकेंगे तुम्हारे को जमीन भी दे देंगे. So it is possible that they may even give you a land. अगर कोई ऐसे हाउसिंग फलाने का हत्था कर लिया तो हो सकता है. So it is possible that they may even give you a land. If you catch someone from the housing association, it is possible. क्योंकि तुम्हारा नाम आचार तो बढ़ते ही जाएंगे और तुम बच्चे तो फ्री सर्विस करते हो ना. इट इज बिकॉज ग्लोरी विल कीप इंक्रीजिंग एंड यू चिल्ड्रन डू फ्री सर्विस, डोंट यू. और तुम्हारी सर्विस बहुत मीठी है, बहुत मीठी है. एंड योर सर्विस इज वेरी स्वीट. सारी दुनिया पर सिवाय तुम्हारे और कोई ये सर्विस कर ही नहीं सकते हैं और ना कभी आगे किया है. No one other than you can do this service in the world and no one has done earlier too. अगर किया भी है तो तुम बच्चों नहीं किया है, कल्प कल्प. And if someone has done, it is you children who have done it, cycle after the cycle. So bhi, tum bachche jante ho.
और तो कोई ये सर्विस कर ही नहीं सकते हैं बिल्कुल। बाप की पहचान देने की सर्विस। However, you children know, no one else can do this service for sure, the service of giving the recognition of the father. सर्विस सीखनी भी चाहिए जरूर। You should certainly learn to do the service. सर्विस करने में होशियार होना चाहिए। You should be intelligent in doing service. समझाने की बिल्कुल होशियार। Completely skillful in explaining. और होशियार भी तब होंगे जब रोज सुनते रहेंगे, रेगुलर। You will be skillful when you keep listening to the murlis daily in regular. Om Shanti.